हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्वीट की एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, डिलीशियस एंड जूसी है। आपका गैस सही निकला, जलेबी। जो हर फैमिली में खूब पसंद की जाती है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे घर में भी बना सकते हैं, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए हम पैन में एक कटोरा चीनी और आधा कटोरा पानी डालेंगे। और ध्यान रखिएगा, पानी और चीनी का रेशियो 2:1 होना चाहिए। और इसे लो फ्लेम में 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालें ताकि चीनी जमे ना। अब मैं इसमें 4 हरी इलायची को क्रश करके डाल रहा हूँ ताकि इसमें एक अच्छा फ्लेवर आए। देखिए, अब हमारी ये चाशनी तैयार है। चाशनी हमारी रेडी है, अब हम बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए हम आधा कटोरा मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच दही एक बर्तन में डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिलाएं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर तब तक मिलाएं जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट ना हो जाए। बैटर ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अब हम इसमें कलर के लिए चुटकी भर हल्दी ऐड करके अच्छे से मिलाएंगे। अब हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसमें ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम लो फ्लेम में तेल गरम होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस बैटर में 1/4 टेबलस्पून सोडा डालकर अच्छे से मिलाएंगे। जलेबी बनाने के लिए मैंने दूध की थैली ली है। अब मैं इस थैली को इस गिलास के अंदर डालूंगा ताकि मैं इसमें अपना बैटर भर सकूं। आप चाहें तो स्क्वीज बॉटल का यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें हम चाकू या कैंची से छोटा सा कट कर लेंगे ताकि हमारा बैटर अच्छे से निकले। तेल गरम हो चुका है। अब हम इस तेल में लो फ्लेम करके बैटर को क्लॉकवाइज शेप में डालेंगे। जलेबी को बनाना जितना मुश्किल हम समझते हैं उतना है नहीं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत आसान तरीका है और इंस्टेंट भी। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और काफी क्रिस्पी भी हो गई हैं। अब हम इसे गरम चाशनी में इंस्टेंट डालेंगे।
मेक श्योर हम जलेबी को चाशनी में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखेंगे। 5 मिनट होते ही हमें जलेबी को चाशनी से निकाल देना है और हमारी जलेबी तैयार हो जाएंगी। जलेबी को दही के साथ खाने का एक अलग ही मज़ा है। चलिए अब इसे ज़रा ट्राई करके देखते हैं। इसका तो अपना एक अलग ही मज़ा है। ये बहुत ज़्यादा जूसी, क्रिस्पी और डिलीशियस है। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।